इस कहानी की शुरुआत होती है 1992 से, जहां पर हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसके बैकयार्ड में एक स्विमिंग पूल होता है। तभी हम देखते हैं कि उस स्विमिंग पूल के अंदर से एक अजीब सी हलचल होना शुरू हो जाती है और तभी अगले पल उस स्विमिंग पूल के अंदर से अपने आप एक टॉय बोट बाहर आ जाती है। टॉय बोट की आवाज को सुनकर घर के अंदर सो रही लड़की, जिसका नाम रेबेका होता है, उसकी अचानक से आँख खुल जाती है। दरअसल टॉय बोट किसी और की नहीं बल्कि रेबेका के भाई, जिसका नाम टॉमी है, उसकी है। इसीलिए रेबेका अपने भाई टॉमी को उठाने के लिए उसके रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन उसका भाई कोई भी जवाब नहीं देता। वो इसीलिए क्योंकि टॉमी को एक बीमारी है जिसका नाम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसीलिए रेबेका बाहर जाकर पूल के अंदर से उस बोट को निकालने की कोशिश करती है ताकि वो इस बोट को अपने भाई टॉमी को दे सके, लेकिन इसी दौरान कोई अचानक से रेबेका को पूल के अंदर खींच लेता है। तभी रेबेका पानी के नीचे से बाहर अपनी मॉम को देखती है, लेकिन जैसे ही वो पानी के बाहर आती है वहां पर कोई भी नहीं होता। और तभी एक और बार वो टॉय बोट पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन इस बार रेबेका उसे किसी तरह ले लेती है। लेकिन तभी इसके अगले पल पूल की लाइट्स अचानक से ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। इससे पहले कि रेबेका यहाँ पर कुछ समझ पाती, कोई अनजान शक्ति रेबेका को जान से मार देती है। तभी हम देखते हैं कि रेबेका की डेड बॉडी पूल से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं वॉलर फैमिली को, जिसमें हस्बैंड का नाम रे होता है, वाइफ का नाम ईव होता है और इन दोनों के दो बच्चे होते हैं। इनके बेटी का नाम इजी होता है, साथ ही इनका बेटा जो होता है उसका नाम एलियट होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रे पहले कभी एक बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था, लेकिन रे की बीमारी के चलते उसे फोर्सफुली रिटायर कर दिया गया। दरअसल एक बीमारी के चलते रे के नर्वस टिश्यू बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। रे को चलने फिरने के लिए एक स्टिक की मदद लेनी पड़ती है। साथ ही यहाँ पर जो ईव है वो स्कूल के अंदर एक एडमिन की जॉब करती है और सारा खर्चा उठा रही है। इसीलिए रे के ट्रीटमेंट के चलते इन लोगों को अपने नए घर में शिफ्ट होना पड़ता है और ये घर वही होता है जो कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जिसके बैकयार्ड में वो स्विमिंग पूल होता है। इस घर का प्राइस बहुत ही ज्यादा कम था, इसीलिए ये लोग एजेंट के जरिए उस घर को खरीद लेते हैं और इसके बाद ये घर का सामान सेट करने लगते हैं। तभी हम रे को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल को साफ कर रहा होता है, और जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी अचानक से उसका हाथ कट जाता है। और अब ये तय करते हैं कि इस काम को करने के लिए ये लोग पूल प्रोफेशनल वर्कर्स को बुलाएंगे। इसके बाद जब वर्कर्स वहाँ पर आते हैं तो वो पूल को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। दरअसल पूल वर्कर्स उन लोगों को बताते हैं कि इस पूल में पानी भरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूल नेचुरली अंडरग्राउंड सोर्स से जुड़ा हुआ था, यानी कि ये पूल नेचुरली कहीं से भर जाता था। ये जानकर रे और बाकी सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। पूल को ड्रेन करने के बाद ये लोग इसके अंदर स्विम करते हैं, साथ ही ये बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। उसी रात हम देखते हैं कि जब ईव अकेली स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही होती है तो उसे पानी के अंदर से बाहर रे खड़ा दिखता है। ईव बाहर आती है लेकिन वो देखती है कि बाहर कोई भी नहीं था। ईव को ये देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। खैर, इसके बाद ईव इस बात को इग्नोर करके पूल से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम इनकी फैमिली कैट को पूल के पास खड़ा देखते हैं। अचानक से पूल के अंदर से वही टॉय बोट बाहर आ जाती है और इसके बाद अचानक से इनकी फैमिली कैट पूरी तरह से गायब हो जाती है। अगली सुबह ये सब देखते हैं कि इनकी फैमिली कैट वहाँ पर नहीं है। ये सभी अपनी फैमिली कैट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी ये सब देखते हैं कि इनके स्विमिंग पूल के अंदर इनकी फैमिली कैट का पट्टा पड़ा हुआ था। ये देखकर एलियट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दरअसल एलियट अपनी कैट से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। ईव एलियट को शांत कराती और इसके बाद ये सेफ्टी पर्पस के लिए पूल को कवर कर देते हैं। धीरे धीरे इन लोगों को यहाँ पर समय बीतता है और अब यहाँ पर ईव नोटिस करती है कि रे अपना ज्यादातर समय पूल के अंदर ही बिताता था। इसके बाद एक दिन ईव रे को हॉस्पिटल लेकर आती है ताकि वो उसका बॉडी चेकअप करा सके, और इस दौरान डॉक्टर से एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं। वो नोटिस करते हैं कि रे की तबीयत कुछ ज्यादा ही जल्दी से सुधर रही थी, जो कि समय के साथ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। डॉक्टर इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर जो रे होता है उसे ऐसा लगता है कि ये चमत्कार किसी और के नहीं बल्कि पूल के चलते हो रहा है। वहीं हम एलियट को देखते हैं जो कि उस समय पूल के अंदर एंजॉय कर रहा होता है, और तभी उसे पूल के बैंड से किसी की आवाज आती है। हम देखते हैं कि ये आवाज अपने आप को रेबेका बता रही थी। रेबेका की आवाज उससे कहती है कि वो अपनी मॉम को ढूंढ रही है। और जैसे ही एलियट बैंड के करीब जाता है तभी अचानक से एक अजीब सा शैतानी हाथ एलियट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। एलियट इस हादसे से बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो पूल से बाहर आकर अपनी मॉम को सब कुछ बताने की कोशिश करता है। ईव को एलियट की बातों पर थोड़ा बहुत यकीन हो जाता है, क्योंकि उसे खुद यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो रे होता है उसे ऐसा लगता है कि शायद ये एलियट का कोई वहम है। खैर, इसके बाद ये सभी यहाँ
जहाँ से इलियट की बेसबॉल प्रैक्टिस को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर इलियट का कोच भी होता है। और यहाँ पर जो इलियट का कोच होता है वो कोच रे को भी एक दो राउंड खेलने के लिए इनवाइट करता है। शुरुआत की दो बॉल्स रे से मिस हो जाती हैं और यहाँ पर एक बार को तो वो नीचे भी गिर जाता है, लेकिन इसके अगली बॉल को रे इतनी तेजी से हिट करता है कि बॉल तक फट जाती है और सबके सब ये देख कर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि रात को रे और ईव ये दोनों के दोनों बाहर डिनर के लिए चले जाते हैं और घर पर इनके दोनों बच्चे यानी कि इजी और इलियट ये दोनों के दोनों बच जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर जो इजी होती है वो अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम रॉनी है उसे घर पर बुला लेती है। इसके बाद यहाँ पर जो इजी होती है वो अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम रॉनी है उसके साथ स्विमिंग पूल में बहुत ही ज्यादा इंजॉय करती है। ये दोनों के दोनों तरह तरह के गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक घोस्टली फिगर इजी को पानी के अंदर खींचने की कोशिश करता है। इजी ये देखकर पूरी तरह से डर जाती है। इजी किसी तरह से पानी से बाहर आ जाती है, लेकिन इजी को स्विमिंग पूल के अंदर जो भी दिखा था उससे वो पूरी तरह से डर चुकी थी। वो इस बारे में घर के अंदर किसी को कुछ भी नहीं बताती, लेकिन यहाँ पर जो उसका भाई है जिसका नाम इलियट है, इलियट समझ जाता है कि जरूर इजी ने पूल के अंदर कुछ देखा है। इलियट इजी से कहता है कि हमें इस बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए, लेकिन इजी उससे साफ मना कर देती है। वो उससे कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा डर जाएंगे और हो सकता है कि वो इस घर को भी बेच दें। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन वॉलर फैमिली अपने घर पर एक पूल पार्टी रखते हैं और इस पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे, जैसे कि बेसबॉल कोच और उसका बेटा। यहाँ पर रॉनी भी आया होता है जो कि इजी का बॉयफ्रेंड है, और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एजेंट भी आई होती है जिसने वॉलर फैमिली को ये घर दिलवाया था। और बातों बातों में ईव तभी एजेंट से इस घर की हिस्ट्री के बारे में पूछ लेती है। एजेंट उसे बताती है कि इस घर में पहले एक फैमिली रहा करती थी जिस फैमिली का नाम फिलर फैमिली था। साथ ही एजेंट उसे बताती है कि फिलर फैमिली की बेटी की मौत इस पूल के अंदर डूबने से हो गई थी। और तभी ईव उसे बताती है कि क्या उनकी बेटी का नाम रेबेका था, और ये सुनते ही एजेंट पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी खत्म होने के बाद ईव रे और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से जाने की तैयारी करना शुरू कर देती है, क्योंकि ईव यहाँ पर समझ चुकी है कि ये घर उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद वो जल्दी से अपनी गाड़ी निकालती है और जैसे ही वो जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करती है तब अचानक से रे को कुछ होना शुरू हो जाता है। उसके गर्दन पर काले निशान बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि कोई है जो कि इन्हें यहाँ से जाने देना नहीं चाहता, इसीलिए इन लोगों को वापस से घर के अंदर आना पड़ता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि रे का बिहेवियर अब पूरी तरह से बदल चुका है। ईव नोटिस करती है कि रे इस कंडीशन में भी पूल के अंदर जाने की जिद कर रहा होता है। ईव को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके परिवार के साथ ये सब क्या हो रहा है, और अब वो इस घर और इस पूल के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देती है। इस दौरान उसे पता चलता है कि रेबेका के अलावा भी इस पूल के अंदर कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद वो हालत पर काबू पाने के लिए पूल को पूरी तरह से खाली कर देती है, और इसके बाद ईव रेबेका की मॉम से मिलने के लिए चली जाती है ताकि उसे इन सब के बारे में और भी जानकारी मिल सके। वहां जाने के बाद ईव रेबेका की मॉम से मिलती है। रेबेका की मॉम ईव को बताती है कि अब उसका बेटा यानी कि टॉमी एक बहुत बड़ा एम्बेसडर बन चुका है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मूवी की शुरुआत में हमने टॉमी को बहुत ही ज्यादा बीमार देखा था, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। और जब ईव रेबेका की मॉम से रेबेका यानी कि उनकी बेटी के बारे में पूछती है तो रेबेका की मॉम मना कर देती है, वो कहते कि मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। लेकिन ईव समझ जाती है कि वो उनसे कुछ छुपा रही है, इसीलिए ईव रुकती नहीं है, वो बार बार उनसे रेबेका के बारे में पूछती है। और अब रेबेका की मॉम ईव को सच्चाई बताती है, उसे बताती है कि सदियों पहले वहाँ पर कोई भी घर नहीं था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब था और वो तालाब लोगों की इच्छाओं को पूरा करता था, यानी कि अगर कोई इंसान कॉइन फेंक कर उस तालाब से अपनी कोई भी विश मांगता है तो वो पूरी हो जाती थी। लेकिन उस तालाब का एक दूसरा भयानक रूप भी था, वो ये कि इंसानों की विश को पूरा करने के बदले ये तालाब एक जिंदगी मांगता था, यानी कि एक सैक्रिफाइस। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 1992 में टॉमी बहुत ही ज्यादा बीमार था, तो वो इतनी जल्दी ठीक और सक्सेसफुल कैसे हो गया? क्योंकि रेबेका की मॉम ने उस पूल से एक विश की थी कि उनका बेटा टॉमी बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो जाए, और इसके बदले उन्होंने अपनी बेटी रेबेका को ही सैक्रिफाइस किया था। और अब यहाँ पर ईव सब कुछ समझ जाती है, वो समझ जाती है कि वो पूल रे को ठीक तो कर रहा है, लेकिन इसके बदले वो शैतानी पूल उनके दोनों बच्चों में से किसी एक बच्चे को सैक्रिफाइस करना चाहता है। और तभी अगले पल हम देखते हैं कि रेबेका की मॉम को एक शैतानी शाया अपने वश में कर लेता है, उनकी दोनों आंखों से काले रंग का पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर ईव पूरी तरह से डर जाती है, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है। वही
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रे की आंखों से भी सेम काले रंग का पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि अब रे भी पोजेस्ड हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि इसी बीच इलियट को बाहर से अपनी कैट की आवाज आती है, इसीलिए वो अपनी कैट को देखने के लिए बाहर चला जाता है, जहाँ वो एक अजीब चीज देखता है। वो देखता है कि उसकी मॉम ने यानी कि ईव ने पूल को खाली कर दिया था, लेकिन वो देखता है कि पूल अपने आप ही भर चुका है। इससे पहले कि इलियट यहाँ पर कुछ समझ पाता, अचानक से एक डीमन एंटिटी इलियट को पूल के अंदर खींच कर ले जाती है और अपने आप ही पूल का कवर अपने आप बंद होना शुरू हो जाता है। तभी इजी इलियट को देखकर उसे बचाने की कोशिश करती है और अब तक वहाँ पर ईव भी आ चुकी थी। ये दोनों के दोनों इलियट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ईव इजी से कहती है कि वो अंदर जाकर रे को बुलाकर लाए, और जब इजी जब घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर रे होता है, लेकिन रे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि अब रे पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुका था। वो इजी पर हमला कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है और इजी किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। वहीं हम बाहर ईव को देखते हैं जो कि खुद पूल के अंदर जाकर डाइव करती है और इलियट तक पहुंच जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने कई सारे लोग जो कि इस पूल में सैक्रिफाइस हुए थे उन सब की आत्माएं वहां पर आ जाती हैं। और अब यहां पर जो ईव होती है वो इलियट के साथ पूरी तरह से फंस चुकी है, उसको बाहर जाने का रास्ता कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन तभी वहां पर ईव को रेबिका की स्प्रिट नजर आती है और रेबिका की स्प्रिट उन दोनों को बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। इसके बाद ईव इलियट को लेकर पूल से बाहर आ जाती है, लेकिन अब भी कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि तभी पीछे से पोजेस्ट हुआ रे ईव पर अटैक कर देता और उसे मारने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि अब इलियट नहीं बचेगा। इससे पहले कि रे ने कुछ नुकसान पहुंचा पाता, पीछे से इजी बेसबॉल बैट से अपने डैड रे को मारकर नीचे गिरा देती है। और थोड़ी देर बाद जब रे को होश आता है तो वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। और तभी ये सब नोटिस करते हैं कि अचानक से पूल का सारा पानी काला हो जाता है और देखते ही देखते अब इलियट उस शैतान से पोजेस्ट हो जाता है। इसीलिए अब रे अपने बेटे इलियट को बचाने के लिए पूल के अंदर जाकर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि पूल को इस फैमिली से सिर्फ एक जिंदगी चाहिए थी। और रे के सैक्रिफाइस होते ही थोड़ी देर बाद इलियट को होश आ जाता है और इसके बाद यहाँ से ये कहानी कुछ दिनों बाद आगे जाती है, जहाँ पर हम ईव इलियट और इजी इन तीनों को देखते हैं और ये तीनों के तीनों फैसला करते हैं कि ये तीनों अब इसी घर के अंदर रहेंगे ताकि ये हॉन्टेड पूल किसी और फैमिली को अपना शिकार ना बना सके। और इसके बाद ये लोग पूल के अंदर मिट्टी डालकर उसे ब्लॉक करवा देते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें। तो मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।